तो आप सब हम सब यहां बैठे हैं, मैं आपको अगर ये प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं आप सबको मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ येस देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में समझना, कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस दे कम टूगेदर टू ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस इज नॉट जस्ट अ गुड बिजनेस, सक्सेस इज नॉट जस्ट अ फ्यू रिलेशनशिप्स वेल सेट, सक्सेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ गुड हेल्थ एंजॉयड। ये सब एक एक वर्टिकल्स है, वो प्रोग्रेस है, और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए, दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ जब आप 80-90 साल के हो तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माय लाइफ, भगवान ने मुझे ये 70-80 साल का जीवन दिया था, 5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया, आई लिव्ड इट। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के, कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणूक भी जीवन में चाहिए। रिमेंबर सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? व्हेन यू गो फ्रॉम द बेस एंड यू वॉक फ्रॉम द बॉटम। तो सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट स्टोरी, इट इज नेवर अ वन डे स्टोरी। तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है, कोई सही विचारधारा तो रहती है, कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं। तो उसमें एक प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें यह मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है, एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कहीं साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर यह मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं है, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 trillion, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 trillion, वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। अ डेड ह्यूमन बॉडी इज $5 trillion, तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे हैं। इफ यू लिव फॉर 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 trillion की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, एवरी सेकेंड
इस करोड़ ऑफ रुपीज। तो पहले यह सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है। आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9+ ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हा या ना? तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना। वो है, हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स दोनों ने ये बातें की हैं, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की। दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम। ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, एंड यू विल लीव अ सैटिस्फाइड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ। ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है। उसमें प्रथम याद बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें। यू डिटरमीन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5, 10, 15 बातें करनी है। मैं यहां आप सब बैठे, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में ये करना है। हाथ ऊंचा करें फेथफुली। 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है। तो क्या आप ये विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे? अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे? तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है। आपकी जो रस रुचि है, आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से, या समाज सेवा की कोई दृष्टि से, मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड, इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग, कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी, विचार में से तो चली जाती है लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। देन दैट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड कॉन्स्टेंटली इट रिमाइंड्स यू।